अस्सलामु अलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि ये हम दो सात कज़न हैं, अभी नौ मुहर्रम का जुम्मे वाला दिन है और ये अभी हम जुम्मा पढ़कर निकले हैं। थोड़ा सा हमने सोचा कि वाक वगैरह कर लें, तो वादी कगान बाज़ार से एक दो किलोमीटर नीचे बहुत ही मशहूर पॉइंट है, इंशाल्लाह आपको हम वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, वो दिखा ये अभी आप इधर ही बनाते हैं तो ऊपर फार्म सामने। गाइस थोड़ा सा आगे चल कर हम आए, ये नीचे एग्रीकल्चर फार्म है। आपके पास हर किस्म के फ्रूट वगैरह आपको मिल सकते हैं, हर किस्म का फल है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह है, जबकि आप विजिट के लिए घूमने के लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फार्म का दिन है। रश वगैरह लगा हुआ है वादी कगान में, ये देखें आप। फाइनली पॉइंट पे पहुँचाए, तो आए आपको बिल्कुल दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत इसका जो नज़ारा है, काम इनका बहुत अच्छा चल रहा है अभी, तो इनसे बातचीत भी करते हैं। फाइनली गाइज आपको इस पॉइंट का पूरा व्यू करवाया है, ये देखें आप। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और मैं तो कहता हूँ जो भी गेस्ट वगैरह यहाँ पर आए स्टे करें, यहाँ पर खाना वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। और बहुत ही जो बेस्ट चीज़ है यहाँ कर कगान की, वादी कगान की मशहूर फिश है जो, वो यहाँ पर मुनासिब रेट में मिलती है। तो ये आपके सामने बिल्कुल टोकली पॉइंट कगान मेन बाज़ार से तकरीबन एक किलोमीटर के फासले पर है। तो ये बहुत ही खूबसूरत अबशार वगैरह बह रहे हैं, ये देखें वादी कगान लड़ी, इसका नाम है लड़ी, जगह का नाम है। तो ये नीचे स्टील फैक्ट्री है, चाइनीज़ का काम वगैरह लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मुहर्रम, नौ मुहर्रम है आज, जुमे वाला दिन था। मैंने कहा आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग बना लें। तो गाइस जिस जिसने भी हमारा माउंटेन व्लॉग्स को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।